योगिनी एकादशी वाले दिन गाय को खिला दें बस ये 2 रुपए की चीज, धन दौलत से आपका घर भर जाएगा। जो महिलाएं आने वाली योगिनी एकादशी के दिन गाय को केवल ये 2 रुपए की चीज खिला देती हैं, वो अपने घर में धन दौलत और सुख समृद्धि ला सकती हैं और उनके परिवार में हमेशा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि जब केवल 2 रुपए में हम अपनी किस्मत के सभी बंद दरवाजे को खोल सकते हैं तो ऐसे मौकों को हाथ से गवाना मूर्खता होगा। तो अगर आप भी ये गलती नहीं करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आने वाली 14 जून को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाने वाला है। आषाढ़ महीने की आने वाली एकादशी का व्रत करने से महान पुण्य का फल मिलता है। इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को रखा जाने वाला है, लेकिन इसके बारे में कई ज्योतिषियों के अलग अलग मत। बात ऐसी है कि एकादशी तिथि की शुरुआत तो 13 जून मंगलवार को सुबह 9:28 से ही शुरू हो रही है और यह अगले दिन 14 जून सुबह 8:28 तक ही रहेगी, लेकिन यह एकादशी उदया तिथि में आने वाली है। इसी वजह से व्रत करने वाले लोग 14 जून को योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे, लेकिन व्रत में जो भी नियम पालन किए जाते हैं वो सभी 13 और 14 जून दोनों दिनों किए जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे में गुरुजी का कहना है कि एकादशी व्रत में जितना महत्व व्रत करने या पूजा पाठ करने का माना जाता है, उतना ही महत्व दान पुण्य का भी माना जाता है। तो योगिनी एकादशी वाले दिन सभी लोग सुबह नहा धोकर विष्णु भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एकादशी की कथा सुनें और भगवान को पीली मिठाई का भोग जरूर लें। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करें और सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं। लेकिन गुरु जी का ये भी कहना है कि आप ब्राह्मणों के साथ साथ गाय को भी भोजन अवश्य कराएं। जब भले ही आपके पास ज्यादा सामर्थ्य ना हो तो आप केवल 2 रुपए का गुड़ और चना लेकर भी गाय को खिला देते हैं तो भी आपको योगिनी एकादशी के व्रत का फल जरूर मिलेगा। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं और पूरा दिन भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं, वो लोग दान पुण्य करके भी योगिनी एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग जितनी ज्यादा मात्रा में हो सके गाय को हरा चारा खिलाएं। इसी के साथ गुड़ चना और केले जरूर खिलाएं। ऐसा करने से लक्ष्मी नारायण आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगे। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि योगिनी एकादशी में सभी को कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जैसे इस दिन आप चावलों को स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। एकादशी वाले दिन चावलों को खाना और उन्हें स्पर्श करना वर्जित माना गया है। इसके अलावा आप अगर व्रत रख रहे हैं तो इसमें केवल फलाहार का भोजन ही करें। फलाहार में आप साबूदाना, फल, दूध, बादाम, चीनी, काजू आदि ये सभी चीजें खा सकते हैं। इसी के साथ व्यक्तियों को लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, मछली जैसे अभक्ष्य वस्तुओं के सेवन करने के लिए मनाही की जाती है। जो लोग एकादशी वाले दिन सभी वस्तुओं का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि मलिन हो जाती है और उन्हें नर्क का भोगी होना पड़ता है, तो इस बात का खास ख्याल रखें। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि साल भर में आने वाली 24 एकादशी अपना अलग अलग महत्व रखती है, लेकिन एकादशी तिथि वर्ष की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। इस दिन जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना कर लेते हैं और गौ माता और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनकी सेवा कर लेते हैं, ऐसे लोगों के कई जन्मों के पाप केवल एक व्रत से ही नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई एकादशी से जुड़ी हुई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित रही होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी सभी लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, न कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो।